कार्तिक पूर्णिमा स्नान स्थल का एसपी ने निरीक्षण किया। जय हिंद, आप देख रहे हैं भारत मीडिया। खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से। कार्तिक पूर्णिमा मेला स्नान स्थल पर एसपी राजकरण नायर ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। महास्नान के पर्व को सकुशल संपन्न कराने ददरी मेला को देखते हुए एडिशनल एसपी सीओ अधिकारियों के साथ मौका मुआयना किया। ज्ञात हो बलिया जिले के मशहूर ददरी मेला के समय कार्तिक पूर्णिमा स्नान में लाखों की संख्या में श्रद्धालु स्नान करने पहुंचते हैं। एसपी ने स्नान स्थलों का जहां निरीक्षण किया, वहीं इस महास्नान पर्व को सकुशल संपन्न कराए जाने हेतु संबंधित अधिकारियों कर्मचारी गणों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एसपी ने बताया, कार्तिक पूर्णिमा स्नान में भीड़ को नियंत्रण के लिए कुछ रूटों को डायवर्ट भी किया जाएगा। ददरी मेला व कार्तिक पूर्णिमा स्नान में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विस्तार से बताया। आगे वीडियो में देखें। गंगा घाट का है, क्या है सर, कैसा यहाँ पे कार्यक्रम होने वाला है, क्या है सर? जैसा कि आप जानते हैं कि जनपद बलिया में जो प्राचीन ददरी मेला लगता है, उसमें कार्तिक पूर्णिमा स्नान का अत्यंत महत्व है और इस दिन लाखों लोग बहुत जगहों से यहाँ पे स्नान करने के लिए आते हैं। उसी की तैयारी के संबंध में आज मैं एडिशनल एसपी सीओज और सभी अधिकारी यहाँ पे मौका देखने के लिए आए थे और यहाँ पे जो भी आगे तैयारी होनी है उस संबंध में संबंधित को बताने के लिए और किन किन चीज़ों को हमको और पिछली बार की उनसे हमको और क्या क्या चीज़ों को इम्प्रूव करना है उसके संबंध में यहाँ पे वो। अच्छा सर, यहाँ देखा जा रहा है कि और जिलों में आतंकवादियों की भीड़ भाड़ वाले जगहों पर आतंकवादी कभी स्टेशन उड़ाने की धमकी देते हैं, कभी कुछ। बलिया में भी ये सबसे महत्वपूर्ण स्नान का पर्व होता है ददरी मेला का, जहाँ लाखों लोग आते हैं, तो क्या इस संबंध में भी कोई आप तैयारी कर रहे हैं क्या? इस संबंध में आपको अवगत करवाना चाहेंगे कि जिस दिन से ददरी मेला शुरू हुआ है उसी दिन से जनपद बलिया को एएस चेक टीम सुरक्षा मुख्यालय और रेंज हेडक्वार्टर से मिल गई है और वो एएस चेक टीम लगातार हमारे पशु मेला में, मीना बाजार शुरू होगा तो मीना बाजार में और कार्तिक पूर्णिमा स्नान के समय यहाँ घाट पर भी एएस चेक टीम द्वारा बकायदा चेकिंग की जाएगी। स्नानार्थियों को कोई दुर्घटना से बचाने के लिए कि अगर कोई डूबने लगे, इसके लिए क्या तैयारी है? इसके लिए हमको मुख्यालय से फ्लड कंपनी आवंटित कर दी गई है और इसके अलावा हमारे पास स्थानीय गोताखोर और जो भी नाविक हैं उनकी मदद से यहाँ पे सुरक्षा की व्यवस्था की जाएगी और इसके अलावा रस्ते में कहीं ट्रैफिक की दुर्घटना ना हो उसके लिए जगह जगह पर हमारे बैरियर पॉइंट्स और डाइवर्जन पॉइंट्स बनाए जा रहे हैं जिससे रस्ते का जो आने का जो मार्ग है उस पर ध्यान रखा जाए और पानी के लिए हमारी फ्लड कंपनीज जो है वो डिप्लॉय की जाएंगी। थैंक यू सर।